हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी है उसमें हमने आपको हैवी पार्टी लुक दिखाया था जो आप दिवाली पार्टीज़ एंड दिवाली पूजा के टाइम पे कर सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्मल ऑफिस पार्टी लुक जो आप सूट एंड साड़ी दोनों के साथ कर सकते हो और ऑफिस में एकदम पटाखा बन के जा सकती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। CTM करने के बाद सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर बहुत ज़रूरी है अगर आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो उसके लिए भी, हैवी पार्टी लुक कर रहे हो उसके लिए भी, क्योंकि ये हमारे बेस को लास्ट लॉन्ग करता है। प्राइमर के बाद अपने डार्कर एरियाज और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए डार्कर कंसीलर लगाएंगे। आज ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम नॉर्मल बेस कर रहे हैं। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद स्पॉन्ज या फिंगर से ब्लेंड करना है। देन आज हैवी कवरेज फाउंडेशन स्किप करके हम नॉर्मल बीबी क्रीम या लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन लेंगे। यहाँ पे मैंने एस्टी लॉडर का फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि लाइट टू मीडियम कवरेज देता है। ये लगाते हुए थोड़ा फेयर लग रहा था बट जब मैंने इसको लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड किया ये नॉर्मल मेरे स्किन शेड का हो गया। फाउंडेशन के बाद अपने शेड से टू टोन लाइटर कंसीलर लेंगे जो हमारे फीचर्स को इन्हांस करेगा और अपलिफ्ट दिखाएगा। यहाँ पे मैंने टार्ट शेप टिप कंसीलर यूज़ किया है एंड मैंने आज बहुत कम क्वांटिटी में लगाया है। इससे हमारे फीचर्स इन्हांस और हाइलाइटेड दिखेंगे। इसको जिस एरिया में अप्लाई किया है उसी एरिया में ब्लेंड करना है। देन लिक्विड ब्लश अप्लाई करेंगे। अगर लिक्विड ब्लश नहीं है तो आप कोई लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो और लिप एंड चीक टिंट भी यूज़ कर सकते हो। जो भी हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम पाउडर सेटिंग से पहले लगाते हैं। अगर हम पाउडर सेटिंग के बाद लगाएंगे तो हमारे उस एरिया पे ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी और लिक्विड प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा। देन लूज़ पाउडर लेके अपने अंडर आई एरिया पे सेट कराएंगे। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप अपना कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अंडर आई सेट कराने के बाद मैंने अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट से सेट कराया है। यहाँ पर मैंने मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। देन इसके बाद आई मेकअप शुरू करते हैं। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइटर पिंक एंड एक मीडियम ब्राउन शेड लेके उसको अपने पूरे क्रीज एरिया पे अच्छे से आउटर टू इनर ब्लेंड किया ताकि एक ट्रांजिशन शेड आ जाए। देन मैंने एक डार्क ब्राउन शेड अपने आउटर कॉर्नर पे अंदर की तरफ ब्लेंड किया ताकि मेरी आईज थोड़ी इनहांस दिखे। देन लिड एरिया पे शिमर शेड अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों शेड्स मेरे ड्रेस के साथ जा रहे थे तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके अपने फिंगर से लिड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड किया। आप शिमर शेड को जितना प्रेस करके लगाओगे ये उतना प्यारा शेड देगा। देन लाइनर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लाइनर यूज़ किया है। ये बेस्ट लाइनर है। इसका ब्रश इतना पतला है और ईजिली लग जाता है। लाइनर भी लगा सकते हो और आप विदाउट लाइनर सिर्फ मस्कारा भी कर सकते हो। चॉइस आपकी है। देन जो शेड मैंने अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया था वही शेड मैंने अपने लैश लाइन पे ब्लेंड किया है ताकि मेरी आईज थोड़ी बड़ी दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट पेंसिल यूज़ करी है फॉर काजल। आप नॉर्मल काजल भी लगा सकते हो और आप कोई कलर्ड काजल भी लगा सकते हो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। इससे आईज बड़ी दिखती है। देन मस्कारा अप्लाई करेंगे अच्छे से। आप लैशेस भी लगा सकते हो वरना मस्कारा इज फाइन फॉर नॉर्मल मेकअप। आज एक छोटा सा हैक बताती हूँ। मस्कारा लगाते वक्त ये मेरे नीचे लोअर लैश लाइन पे लग गया था। आपको क्या करना है, आपको इसको 5 मिनट्स छोड़ना है। तब तक हम अपनी ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज को बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जो मस्कारा मेरे लोअर लैश लाइन पे लगा था वो ड्राई हो चुका है। एक ऐसा स्पूली ब्रश लेना है, इसको बहुत हल्के हाथ से रब करना है। अगर स्पूली ब्रश नहीं है आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो। देन बफिंग ब्रश पे कॉम्पैक्ट लगा के उसको सेट करा देना है। अगर बफिंग ब्रश नहीं है आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो। है ना सिंपल, कभी ऐसे लग जाए तो ये हैक ट्राई कर लेना। देन फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। देन पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे। पाउडर ब्लश इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड ब्लश के ऊपर कई बार कॉम्पैक्ट लग जाता है तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है, इसलिए पाउडर ब्लश अप्लाई किया जाता है। देन फेस पे शाइन और ग्लो लाने के लिए हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। और पटाखा भी तो लगना है तो थोड़ा ग्लो तो ज़रूरी है ना। कहीं बार ना नोज पे बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लग जाता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिंगर पे हाइलाइटर लेके उसको टिप ऑफ द नोज लगाओ एंड ब्रश से ब्लेंड कर दो। देन अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लिप शेड अप्लाई करेंगे। ये लिप शेड था तो बहुत प्यारा पर मेरे फेस पे पता नहीं बड़ा ब्राइट लग रहा था तो मैंने इसको बड़े आराम से टिश्यू पे चैप चैप करके लाइट किया एंड अब उसी के ऊपर अपना फेवरेट
लिप शेड अप्लाई कर दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। देन फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई करेंगे। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना होता है ताकि प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाए। सब बताओ कैसा लगा आप लोग को ये लुक, आई होप बहुत पसंद आया हो। अरे अभी जाना मत, सेकेंड लुक भी तो देखना है। ये सेम मेकअप आप अपने पिंक, पीच, ब्लू, ग्रीन, पर्पल किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, ये सेम शेड्स आएंगे। आई होप आप सबको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और ऑफिस पार्टी में पटाखा बन के ही जाना। विश यू गाइज वेरी हैप्पी दिवाली। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।